सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28 सितंबर यानी आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर में आयोजित हो रहा है। निकाय चुनावों और उसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस सम्मेलन में अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। बता दें कि अधिवेशन में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सपा पक्ष भाजपा से निपटने के लिए सपा अपनी कारगर भूमिका के बारे में चर्चा करेगी। साथ ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, सपा सम्मेलन करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, सबसे लगातार सब जो अधिवेशनों का दौर है, सम्मेलन का दौर है जारी था, और उसके बाद अगर अब तक देखें मयूरी तो लगभग 11 अधिवेशन हो चुके हैं और लखनऊ में होने वाला ये उनका 12वां अधिवेशन है। पहले हालांकि अगर मैं आपको बता दूं तो पहले अधिवेशन 2 साल में होते थे, उसके बाद इसमें बढ़ाया गया तो कहा गया अधिवेशन अब 3 साल में होंगे, 92, 94 और 96 में अधिवेशन 2 साल पर हुए। उसके बाद निश्चित रूप से यहाँ पर जब 2017 में सरकार की गई विपक्ष के रूप में ये सामने आए तो ये निर्णय किया गया कि अभी अधिवेशन जो है 5 साल में होगा और 5 साल के समय के बाद यानी 2022 में ये अधिवेशन हो रहा है, 12वां अधिवेशन है। और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, 24 को चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, निकाय चुनाव आने वाला उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार को घेरने का किस तरह प्रयास किया जाना चाहिए ये जरूरी है। और निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से मैंने मयूरी आपको बताया कि एकजुटता भी बहुत जरूरी है कि जब लोग साथ मिलते हैं तो एक उत्साह जागता है, उत्साह के साथ साथ एक जो व्यवस्था है संगठन उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की यहाँ प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस अधिवेशन के माध्यम से हमारे पार्टी को एक प्रकार से धरातली संघर्ष को तैयार करने की व्यवस्था भी की जा रही है क्योंकि आज राज्य स्तरीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होने वाला है और यहाँ पर आर्थिक मुद्दों के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी और यहाँ पर निर्वाचन भी होगा जो कि वहाँ के निर्वाचन अधिकारी रामगोपाल यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव है हमारी पार्टी उसके द्वारा यहाँ पर कराया जाएगा। जी गौरव, सम्मेलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है सपा की तरफ से? तैयारियां तो यहाँ बेहतर है और पूरा लखनऊ में बात करें तो जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, होर्डिंग लगी हुई है, लोग स्वागत की होर्डिंग भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोगों के आने की बात करें तो लगभग 25-30 हजार लोग इस सम्मेलन में आएंगे जिसकी तैयारी हो चुकी है और लोगों का आना 3 दिन पहले शुरू हो गया था, लगभग लखनऊ के उत्तरों में लोग आ चुके हैं, रुक चुके हैं और बड़ा सम्मेलन है और बड़ा अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया कि पहले 2 साल में होता था, 3 साल में हुआ और सप्ताह के बाद ये प्रयास किया गया कि अब ये अधिवेशन 5 साल में होगा और 17 के बाद अधिवेशन किया जाए जिसमें भव्य यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर पहले आपका ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद यहाँ पर सम्मेलन की शुरुआत होगी। अखिलेश यादव 11:30 बजे के लगभग लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर अधिवेशन है और इस अधिवेशन के माध्यम से हमारी पार्टी अपने जो जमीन है उसको दुरुस्त करने में लगी हुई है क्योंकि निकाय चुनाव भी है, 2024 चुनाव भी, समय बहुत कम बचा हुआ है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं 14 से जो हार का सिलसिला है, 14 में बड़ी उम्मीद थी, मेहनत से 2014 रखा गया था वहां पर कोई लाभ नहीं हुआ, उसके बाद 17 में सरकार चली गई, उसके बाद 19 में जो 8 चरण लोकसभा चुनाव था उसमें भी खासा नुकसान उठाना पड़ा गठबंधन के चलते और 22 के बाद चुनाव जो हार चुके हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब क्या यहाँ पर प्रक्रिया करनी है, किस तरह से मंथन होना है, किस तरह आने वाले समय पर रणनीति बनानी है, इस पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि अब चर्चा बहुत जरूरी है कि अगर विपक्ष होने के नाते सत्ता ने आपको भूमिका दी है तो उस भूमिका का निर्वाह कैसे करना है क्योंकि यहाँ पर अगर आप निर्वाह नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का जो उद्देश्य है, जनता के साथ जो न्याय है वो भी गलत होगा और यहाँ पर बेहतर पहले और अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है, भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। गौरव, ये एक बड़ा सम्मेलन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कितनी संख्या में लोग शामिल होंगे? देखिए सभी राज्य स्तर में आपको बताया राज्य स्तरीय का सम्मेलन है और राज्य स्तर के सम्मेलन में राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं छोटे बड़े उन सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है राष्ट्रीय स्तर के सारे जो नेता हैं जो राष्ट्रीय इकाइयां हैं जिसमें अगर महाराष्ट्र में है, बिहार में, जहां जहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है वहां से लोग आएंगे राष्ट्रीय अधिवेशन में, वहां पर शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय में उत्तर प्रदेश स्तर के जो भी छोटे छोटे पदाधिकारी हैं, नेता हैं और समाजवादी पार्टी जुड़े कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है और राष्ट्रीय अधिवेशन में
जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के जहाँ जहाँ जिन राज्यों में संगठन है जहाँ जहाँ उनके लोग मौजूद है जहाँ जहाँ उनके प्रभारी है राज्य प्रभारी है सब उन सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया जाएगा और निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है और कार्यक्रम का मानदंड राजनीतिक पार्टी एक और फिर एकजुट होने का प्रयास करेगी। जी गौरव, इस सम्मेलन में अखिलेश यादव की दोबारा अध्यक्ष पद के लिए ताजपोशी तो होगी ही, तो क्या 2024 के लिए और क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव का लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है क्योंकि यहाँ पर तीसरी बार अध्यक्ष राष्ट्रीय यहाँ पर अखिलेश यादव बनेंगे। अगर आप अब तक की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर यादव परिवार का ही कब्जा रहा है और इसके पहले अगर बात करें तो अखिलेश यादव 2017 में पहली बार अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 2018 में 17 में अक्टूबर में आए अधिवेशन हुआ था उससे दोबारा अध्यक्ष बने थे, इस बार तीसरी बार अध्यक्ष बनेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात है कि प्रदेश अध्यक्ष भी होता है किसका नाम सामने आता है क्योंकि यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल की बात भी चल रही है, बीजेपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बात भी चल रही है, निकाय चुनाव आने वाले उसको देखते किसको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि प्रदेश बहुत आवश्यक है, उत्तर प्रदेश के रास्ते ही बैकपुर जो घटनाक्रम होता है वो देश की राजनीति में घटता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर किस तरह व्यवस्था होने वाली है और इस सम्मेलन के माध्यम से किस तरह हमको आने वाले समय में रणनीति रखनी है क्योंकि अन्य पार्टियां भी सक्रिय हो रही है, प्रसपा का अलग अपना सक्रियता चल रही है, आम आदमी पार्टी अलग सक्रियता चल रही है, बसपा प्रमुख मायावती की अपनी अपनी सक्रियता है, तो अपने आप को इस स्थिति में कैसे व्यवस्थित रखना है और जनता के लिए काम करना है, जनता के जो मूलभूत उद्देश्य है जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके लिए किस तरह रणनीति बनानी है, उस पर किस तरह लड़ाई करनी है सरकार से, यहाँ पर एक गहन मंथन होगा और निश्चित रूप से बेहतर अधिवेशन यहाँ पर होने वाला है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर में आयोजित हो रहा है। निकाय चुनावों और उसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस सम्मेलन को माना जा रहा है। अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं बता दें कि अधिवेशन में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सपा पक्ष भाजपा से निपटने के लिए सपा अपनी कारगर भूमिका के बारे में चर्चा करेगी। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।